आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि रमज़ान से पहले लोग रमज़ान की तैयारी किस तरह से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये नया वीडियो। पिछले साल मैंने यहाँ पर हैंड्रेस रखा था, टोपी रखा, यहाँ भी नहीं होंगे तो होंगे कहाँ? बेटा तुमने कपड़ों की क्या हालत कर रखी है, क्या ढूंढ रहे हो? अम्मी मैं अपने कपड़े ढूंढ रहा हूँ, पिछले साल यहाँ रखे थे, रमजान खत्म होते ही मैंने टोपी रखी थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, कहाँ है वो? तुमने पिछले रमजान में यहाँ पे रखे थे, उस बात को एक साल हो गया, ऊपर वाले रूम में जाके देख लो, वहीं पे पड़े होंगे। ओ हाँ, ऊपर वाला रूम भी है, मैं उसी में देखता हूँ जाके, हो सकता है वहां मत होंगे। आप ये अंदर रख देना अम्मी। भाई साहब बात नहीं। हाँ बताइए। वो हमारी मस्जिद कहाँ पे, आपको पता है? आपको क्या कर रहे हैं मस्जिद को? वो असल में रमजान आने वाला है तो मैंने सोचा रमजान की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ऐसे मुसलमान भाई हो, पूरे साल तो नमाज पढ़ते नहीं हो, जब रमजान आता है तो फिर इधर उधर घूमते हो, मस्जिदें कहाँ पे? सिर्फ रमजान में नमाज फर्ज नहीं होती, गैर रमजान में भी पढ़नी होती। मेरे पास है 800 गाने मेरे मोबाइल में, अब वो डिलीट करके मौलाना साहब के बयान लूंगा। हाँ। और नात भी डाउनलोड करूंगा। अच्छी बात, अच्छी बात करो। और रमजान के बाद फिर गाने डाउनलोड कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात है बेबी। हाँ रमजान आने वाला है, हम बात नहीं कर सकते। हाँ हाँ उसके बाद हम बात कर लेंगे, रमजान खत्म होते। हाँ ठीक है ठीक, चलो ठीक। ये हो गई मेरी रमजान की तैयारी, ये हो गई मेरी तस्बीह, अब हो गई मेरी रमजान की तैयारी पूरी। अभी तक आपने देखा कि लोग रमजान की तैयारी कैसे करते हैं, तो चलिए अब देखते हैं रमजान में लोग अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। आपके बेटे के अच्छे नंबर नहीं आए हैं, इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इसे अभी और मेहनत करनी होगी, आपको इसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई काहे को नहीं करता तू? भूखा की यार, बहुत कब खुलेगा ये रोजा, टाइम भी नहीं जा रहा है। ओहो अभी 2 घंटे हैं इफ्तार को, बहुत भूख लग रही है। अभी भी 1 घंटा है। ओहो